चलाएं, छल और कपट से हमको बचाएं। अच्छे बुरे की पहचान कराए, जीवन पथ को रोशन बनाए। अच्छे बुरे की पहचान कराए, जीवन पथ को रोशन बनाए। ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं। आपकी अनुपस्थिति में हम सब अनाथ महसूस करेंगे। आचार्य करुणामूर्ति, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? यहाँ तो मैं केवल आपके मार्गदर्शन के लिए हूँ। उस मार्ग पर चलना तो आप सभी भिक्षुओं का स्वयं है। मेरी उपस्थिति या अनुपस्थिति से आपकी सत्य साधना में किसी भी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। आचार्य, आपके आशीर्वाद के बिना हम असहाय महसूस करेंगे। आप तो जानते हैं, हमें कोई भी समस्या होती है, कोई भी कष्ट होता है, तो हम सीधे आपके चरणों में आते हैं। गुरुदेव, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी आपके साथ ही चलें? ये संभव नहीं है बालको, अन्यथा मैं तुम दोनों को साथ लेकर चलता। किंतु लामा, हमें आपकी अनुपस्थिति में मठ की व्यवस्था का अनुभव नहीं है। आपके समक्ष तो हम सभी सुयश और अनुराग की तरह बालक ही हैं। मैं जानता हूं आप लोगों को मेरी अनुपस्थिति का अनुभव नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मठ को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका दायित्व किसी एक व्यक्ति को देना आवश्यक है। इसलिए मैं मठ के संचालन का दायित्व आनंद को देता हूं। मुझे संदेह है कि मैं मठ का संचालन करने की पात्रता रखता हूँ, किंतु यदि आपने मुझे इसके लिए उपयुक्त समझा है तो मैं इसके दायित्व के लिए प्रस्तुत हूँ। भगवान बुद्ध आप सबका कल्याण करें। जैसे कि आप सभी भिक्षु इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि पूजनीय प्रज्ञापुंज ने अपनी अनुपस्थिति में मठ का प्रबंध मेरे हाथों में सौंपा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मठ के संचालन में आप सभी का सहयोग मुझे मिले। मेरा विचार है कि मठ के प्रत्येक भिक्षु को केवल वही काम सौंपा जाए जिसे वो अच्छे प्रकार से कर सकता है। लेकिन क्षमा कीजिएगा भंत्यानंद, आचार्य श्री तो सभी भिक्षुओं को अपना काम स्वयं करने के लिए कहते थे। आप मेरे कार्य करने के तरीके पर भरोसा रखिए भंते कुमार जी। और वैसे भी आप भूल रहे हैं कि वर्तमान में इस मठ का प्रमुख मैं हूं, इसलिए आपसे ये अपेक्षित है कि आपको जो कहा जाए आप वैसा ही करेंगे। भंते कुमार जी, आज के बाद आप मठ के सभी भिक्षुओं के वस्त्र धोएंगे। आचार्य श्री प्रज्ञापुंज की अनुपस्थिति में आप ही मठ के संचालक हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, आप सभी लोग अपने कार्य करिए। भिक्षुओं, सभी इधर आइए। भिक्षुओं, मेरा विचार है कि आज हमें भिक्षा के लिए गांव तक नहीं जाना चाहिए। आचार्य आनंद, आप मठ के अभी संचालक हैं, इसलिए आपका आदेश मानना हम सब का कर्तव्य है।
हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे ज्ञान से गांव वाले कितना लाभ उठाते हैं। हम उनके मवेशियों, उनकी फसलों के लिए प्रार्थनाएं भी करते हैं, तो क्या हम उनसे इतनी सी भी आशा नहीं रख सकते कि वो खाने पीने की वस्तुएं स्वयं मठ तक पहुंचाएं? जैसा आप ठीक समझें आचार्य, बाकी भगवान बुद्ध जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन भंते कुमार जी भी कुछ अधिक ही उद्दंड प्रतीत होते हैं। मैंने उन्हें मठ के सभी भिक्षुओं के वस्त्र धोने का आदेश दिया था, क्या उन्होंने वस्त्र धोए? जी, वो इस वक्त सभी के वस्त्र धो रहे हैं। इसके बाद आज वो मठ के सभी भिक्षुओं के झूठे बर्तन भी साफ करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा आचार्य। अब आप सभी लोग जा सकते हैं। सुयश अनुराग, अधिक शैतानी मत किया करो, अनुशासन में रहा करो। जी बनते। अरे आचार्यश्री, आचार्यश्री लौट आए, आचार्यश्री लौट आए। प्रणाम आचार्यश्री। प्रणाम आचार्यश्री। भगवान बुद्ध आप सबका कल्याण करे। आपका स्वागत है। कितने हर्ष की बात है कि आप समय से पहले ही लौट आए। आचार्यश्री, आप समय से पहले भले ही आ गए हैं, लेकिन आप उस समय आए हैं जब हमें आपके मार्गदर्शन की सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि आप पूर्व निर्धारित समय पर आते तो अत्यंत ही विलंब हो जाता। आशा करता हूं मेरी अनुपस्थिति में एक नया अनुभव मिला होगा आप लोगों को। अपनी यात्रा में मैंने भी कई घटनाएं देखी हैं, बताऊंगा उनके बारे में। अभी आप लोगों का ध्यान करने का समय हो गया है, सभी भिक्षु अपने अपने स्थानों पर जाएं। जी आचार्य जी। ध्यान लगाओ, साधना करो। आचार्य श्री, आप तो जानते हैं कि इस मठ का प्रत्येक भिक्षु आपका आदेश शिरोधार्य करता है, और आपकी अनुपस्थिति में भी परंपराओं और अनुशासन का पूरा पालन किया गया। किंतु क्या, स्पष्ट कीजिए। आचार्य श्री, आपकी अनुपस्थिति में मठ का संचालन देख रहे आनंद भिक्षु का व्यवहार कुछ अनपेक्षित लगा। आप इस मठ के सबसे पुराने भिक्षुओं में से एक हैं, निसंकोच होकर कहिए। वो एक ही दिन में मठ के नियमों को मनमाने तरीके से बदलने पर उतारू थे, बल्कि उन्होंने तो असहमति रखने वाले कुमार जी को दंडित तक कर दिया। आचार्य श्री, वो तो आप सही समय पर लौट आए, वरना हम सब के लिए एक असहज स्थिति उत्पन्न होने वाली थी। तो फिर वही हुआ जिसकी मुझे आशंका थी। यह समय सिर्फ आनंद के लिए नहीं, अन्य सभी भिक्षुओं के लिए परीक्षा की घड़ी थी। तो क्या आप सभी भिक्षुओं की परीक्षा ले रहे थे? मैं जानना चाहता था कि मेरी अनुपस्थिति में सभी भिक्षु आनंद की सभी उचित अनुचित बातें मान लेंगे, या फिर टकराव की स्थिति पैदा किए बिना किसी मध्यम मार्ग का चयन करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी भिक्षु अपनी परीक्षा में खरे उतरे। और जहां तक आनंद की बात है, तो आनंद अभी युवा है, अनुभव की कमी है और मन उसका दुर्बल भी है। ऐसे व्यक्ति पर धन या शक्ति का प्रभाव बहुत तेज गति से होता है। तो आप क्या करेंगे आचार्य जी? बात करते हैं जी। मैंने सुना है आनंद ने मेरी अनुपस्थिति में आप भिक्षुओं को गांव जाकर भिक्षा मांगने की जगह गांव वालों को ही मठ में भोजन लाने का आदेश दिया है। आनंद के आदेशानुसार, क्योंकि किसी को भिक्षा मांगने नहीं जाना है, तो फिर बचे हुए समय का हम सदुपयोग करते हैं। मैं आपको बोधिसत्व की एक कथा सुनाता हूँ। एक समय एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसका पुत्र शिक्षा के लिए एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था, और व्यापारी अपने एक विश्वासपात्र नौकर
नंदा के साथ रहता था। नंदा धर्म भीरु था लेकिन मन से दुर्बल था। नंदा, ओ नंदा। जी स्वामी। अरे अगर तेरी पूजा खत्म हो गई हो तो कुछ देर यहां भी चला आ भाई। जी स्वामी। बैठ। अरे नंदा, ये साकेत की परीक्षाएं कब समाप्त हो रही हैं? शायद एक दो माह में उनकी सब परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। साकेत भैया की शिक्षा दीक्षा आपके इस व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अरे पानी ले स्वामी। आपने दवा ली? हाँ, ले ली थी। आप अपनी सेहत को लेकर काफी लापरवाह हैं। ठीक है नंदा, बेकार में क्यों घबराते हो? और आपके सिवाय हमारा है कौन? फिर साकेत भैया के बारे में तो सोचिए स्वामी। हाँ नंदा, साकेत की ही चिंता है। वो ये सारा काम धाम संभाल ले तो मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। आप चिंता न करें स्वामी, भगवान सब ठीक करेंगे। एक बार व्यापारी बहुत बीमार पड़ गया। उसको लगने लगा कि उसका अंत समय निकट आ गया है, तो उसने अपने विश्वास पात्र सेवक नंदा को अपने पास बुलाया। मालिक, मालिक थोड़ा पानी पी लो मालिक, सब ठीक हो जाएगा। अपनी लाख कोशिश के बाद भी मैं आपकी बीमारी की सूचना साकेत भैया को नहीं दे पाया। तुम मेरा अगर एक आखिरी काम कर दो नंदा, तो मैं चैन से मर सकूंगा। आप हिम्मत ना हारे मालिक, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान हमारे साथ इतना निर्दयी नहीं हो सकता। नंदा, मेरे बेटे को आने में अभी समय लगेगा, इसलिए घर में जितना भी स्वर्ण और धन है उसे इकट्ठा करो और उसे खेतों में कहीं दबा दो, और जब तक तुम उस धन को खेतों में दबा कर वापिस नहीं आते, मुझे मृत्यु भी नहीं आ सकती। उस पर साकेत का हक है। साकेत के आने के बाद ये उसकी अमानत उसको सौंप देना नंदा। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं मालिक, जैसा आपने कहा वैसा ही करूंगा। स्वामी, आपके कहे अनुसार मैंने सारा धन दबा दिया। मैं आपके वचन का सारी जिंदगी भर पालन करूंगा। नंदा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। स्वामी, स्वामी, क्या हुआ स्वामी? स्वामी, मालिक, मालिक, मालिक! नंदा जी, मेरी अनुपस्थिति में आपने पिताजी का पूरा ध्यान रखा, उनकी सेवा की। अब जो काम पुत्र को करना चाहिए था वो सारे आपने किए। ईश्वर आपको इसका फल अवश्य देगा। अंतिम समय में मैंने काफी प्रयास किया कि आप तक सूचना पहुंचा दूं, लेकिन मेरी वजह से आप उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। इसमें आपका क्या दोष है नंदा भैया? आप तो भाग्यशाली हैं जो अंतिम समय में पिता के दर्शन किए। शायद मेरे भाग में यही लिखा था नंदा भैया। मैं कितना अभागा था कि अंतिम समय में पिता का ख्याल ना रख सका। साकेत भैया, अब ये सब आपको संभालना। स्वामी ने मुझे ये बही खाता आपको सौंपने का आदेश दिया था। साकेत भैया, इस बही खाते में स्वामी के धन और उन सब लोगों का विवरण है जिन्हें स्वामी ने ऋण दे रखा है।
बस इतना ही या कुछ और भी? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात अभी रह गई है। स्वामी को अपनी मृत्यु का आभास हो गया था और उन्होंने अपना सारा धन मुझे बगीचे में दबाने को कहा। कल हम सुबह चलकर वो सारा धन वहां से निकाल लेंगे। नंदा जी, आपने ये बात किसी और को तो नहीं बताई? नहीं स्वामी, ये बात आपके और मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। मरते स्वयं स्वामी ने मुझे सौगंध दी थी और कहा था कि ये बात मैं आपके अलावा किसी से न कहूं और ना ही कभी उस धन को हाथ लगाऊं। अच्छा ठीक है, हम कल मुंह अंधेरे जाके ही बाग से खुदाई कर सारा धन निकाल लेंगे। ठीक है, आप खुदाई के लिए औजारों का प्रबंध करवा लीजिए। ठीक है स्वामी। नंदा, कितनी दूर और है? कहाँ गाड़ दिया तुमने? बस मालिक, वो सामने ही है। सामने करते करते इतनी दूर ले आए तुम? बस दो चार कदम और मालिक। मैंने सेठ जी की इतनी सेवा की तो सारे धन पर मेरा ही तो अधिकार हुआ। आखिर सेठ ने मेरी आंखों के सामने आखिरी सांस ली। अब साकेत को सिर्फ सारा धन इसलिए हड़पने दूं कि वो सेठ जी का पुत्र है? नंदा जी मालिक, क्या सोच में पड़ गए? चलो, हाँ चलिए मालिक, आइए। नंदा जी, ये चौथा स्थान है जहाँ आप खुदाई करवा रहे हैं। आपको ठीक से याद तो है ना कि आपने धन कहाँ दबाया था? मालिक, यहाँ के सारे पेड़ एक जैसे दिखाई देते हैं। धन कहाँ छिपाया था याद नहीं आ रहा है। दरअसल उस दिन मालिक की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी और मेरा मन भी विचलित था। फिर कोई चोर ना देख ले, इस वजह से मैं कहीं कोई चिन्ह भी नहीं लगा पाया। नंदा जी, एक काम करते हैं, उस पेड़ के नीचे चल के सुसा लेते हैं। ठीक है मालिक, आइए। नंदा, याद करने का प्रयास तो करो कि आखिर तुमने कहाँ धन गाड़ा है। साकेत, मुझसे तमीज से बात करो। तुम आयु में मुझसे छोटे हो, हम तुम्हारे पिता के सेवक थे, कोई तुम्हारे गुलाम नहीं। और प्रश्न तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि जब तुम्हारे पिता बीमार थे उस समय तुम कहाँ थे? नंदा जी, मेरा आशय आपको अपमानित करने का नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर आपने चिन्ह लगा दिया होता तो हमें आसानी होती धन और सोने तक पहुंचने में। तुम्हें भी अपने पिता की तरह सब कुछ आसानी से चाहिए। सत्य तो यह है कि तुम्हारा पूरा वंश ही होश में आओ नंदा, कि तुम किससे और क्या बात कर रहे हो? मुझे अच्छी तरह पता है मैं किससे बात कर रहा हूँ। तुम अमिताभ को समझता क्या हो? नंदा चलो, तुम चलो यहाँ से, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। रुको साकेत, साकेत रुको, साकेत मुझे चक्कर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी बहुत बुरे सपने से उठा हूँ। अब आप ठीक है नंदा जी? हाँ, अब मैं पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। चलते हैं यहाँ से, यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। आइए, कल फिर आकर देखेंगे। चलिए। ऐसा लगता है नंदा किसी गहरे तनाव में है, या फिर सेठ जी की मृत्यु से इसे गहरा आघात लगा है। जी, मुझे भी आजकल इनका व्यवहार कुछ अजीब मालूम पड़ता है। औषधि दे देता हूँ, एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। जी। औषधि मेरे दवा खाने से ले जाना। जी। स्वामी, मुझे भय है किसी चोर या ठग ने यहाँ से सारा धन और सोना निकाल तो नहीं लिया। नंदा जी, जब आपको धन का स्थान ठीक ठीक याद ही नहीं है तो चोर कैसे ले जाएगा? साकेत, एक तो मैं तुम्हारे धन के लिए पसीना बहा रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। जिंदगी में पहली बार परिश्रम कर रहे हो इसलिए तुम्हें कष्ट हो रहा है। वास्तव में तुम इस धन के काबिल ही नहीं हो, तभी वह तुम्हें नहीं मिल रहा है। अगर तुम एक धनाढ्य के पुत्र ना होते तो तुम मेरे पैर के नखून के बराबर भी नहीं होते, समझे? नंदा जी, आप क्या आज फिर बेकार की बातें कर रहे हैं? आपको क्या हो जाता है? मुझे लगता है कि इस पेड़ पे किसी भूत प्रेत का वास है। आप चलिए यहाँ से। कुछ चक्कर आ रहे हैं।
निंदा जी, आपको फिर से कुछ याद नहीं क्या? आपको इस पेड़ के पास आकर क्या हो जाता है? पता नहीं स्वामी, ऐसा लगता है जैसे मेरी बुद्धि मेरा साथ छोड़ देती है। अगर मुझसे कोई अनुचित व्यवहार हुआ हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। उचित और अनुचित को छोड़िए, अभी चलते हैं यहाँ से। आइए आप। गुरुदेव, नंदा का व्यवहार अविश्वसनीय था। ऐसा अभद्र और दम व्यवहार उसने उस दिन से पहले कभी नहीं किया। तुमने कभी इस ओर ध्यान दिया है कि बाग में जाते हुए किसी विशेष स्थान पर नंदा ऐसा व्यवहार करता है? कोई विशेष स्थान? हाँ गुरुदेव, दोनों बार ये घटना तब हुई जब हम एक पेड़ के नीचे बैठे थे। मुझे लगा कि उस पेड़ पर कोई भूत या प्रेत का साया है। मैं खुदाई का काम बीच में छोड़कर भाग आया। नहीं, उस वृक्ष में कोई प्रेत नहीं है। हाँ, उस वृक्ष की जड़ों में अवश्य कोई ऐसी वस्तु है जो दुर्बल मन वालों के मन में प्रेत की तरह छा रही है। क्या? मगर ये आप कैसे कह सकते हैं? पुत्र, तुम्हारा सेवक धनु भीरू है। अनिष्ट की आशंका के कारण वो तुम्हारे पिता के समक्ष ली हुई ईश्वर की सौगंध को तोड़ नहीं पा रहा है, किंतु धन की लालसा के कारण उसका मन दुर्बल हो गया है। वो धन की सही जगह जानबूझकर तुम्हें नहीं बताना चाहता। जब भी वो उस भूमि पर खड़ा होता है तो उस अपार धन की शक्ति नंदा की बुद्धि को हर लेती है और वो अहंकार में तुम्हें अपशब्द कहने से भी नहीं चूकता। जिस जगह पर खड़े होके नंदा ऐसा व्यवहार करता है, उसी के नीचे तुम्हारे पिता का धन और सोना गड़ा है। तो भिक्षु, आपने इस कहानी में देखा कि कैसे एक अपात्र व्यक्ति धन की शक्ति को संभाल नहीं पाता, वो उसके बुद्धि विवेक पर हावी हो जाती है। धन हो या शक्ति, यदि वो किसी अपात्र व्यक्ति को मिलती है तो वो उसका दुरुपयोग करता है या उसे व्यर्थ ही नष्ट करता है। धन की शक्ति हो या अधिकारों की, केवल पात्र व्यक्ति ही उसका सदुपयोग अपने और समाज के कल्याण के लिए कर पाता है। मैं आशा करता हूं कि मेरी अनुपस्थिति में घटित हुई घटनाओं का कारण और उनका निवारण भिक्षु इस कथा में अवश्य खोज लेंगे। आचार्य श्री, मैंने आपकी अनुपस्थिति में सबके साथ बुरा बर्ताव किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब आप सत्य के अधिक निकट हैं आनंद, मुझे ऐसी आशा है। भूल करना अपराध नहीं है, अपराध है भूल का ज्ञान ना होना। आपको अपनी भूल का अनुभव हो चुका है। भगवान बुद्ध आपका कल्याण करे। जीवन की राहों पर हमको चलाए, छल और कपट से हमको बचाए, अच्छे बुरे की पहचान कराए, जीवन पथ को रोशन बनाए। ये है जातक कथाएं, ये है जातक।